हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं हूं मनीषा. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं रैपिंग पेपर को यूज़ करते हुए हम उससे अपने घर की दीवारों को और फर्नीचर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, उनको कैसे सुंदर बना सकते हैं, जो कि रहेगा बहुत ही बजट फ्रेंडली. साथ में ये रेंटर फ्रेंडली भी है, क्योंकि रेंट पर रहते हुए हम अपने घर में या फर्नीचर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें फिर से चेंज करना है, तो फर्नीचर पर भी हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं. जस्ट लाइक मी, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर. यहाँ पे मैंने अपने कुछ फर्नीचर में चेंजेस किए हैं और कुछ एक दीवार पे मैंने चेंजेस किए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका आप लोगों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली है. तो मैं आज आपके साथ 5 ऐसे ही आइडिया शेयर कर रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने उनको कैसे डेकोरेट किया है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद आएगा एक बेल आइकन, तो इसको भी हिट कीजिएगा ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ये बिल्कुल फ्री है. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप के रैपिंग पेपर लिए हैं. ये रैपिंग पेपर आपको अपने नियर जो स्टेशनरी शॉप है उस पर ईजिली मिल जाएंगे. ये 5 to 10 रुपीज़ के आते हैं. आप इसे बेस्ट क्वालिटी लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल हैं, आप मार्केट में जाके सर्च कर सकते हैं. बट मेरे यहाँ पे जो स्टेशनरी थी उसी पर ये बेस्ट थे, तो मैं यही लेके आई हूँ. और मैं काफ़ी पहले लेके आई थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था करने का. तो देखिए, ये वाला जो रैपिंग पेपर है ये थोड़ा सा थिक है, और जो बाकी वाले हैं वो थोड़ा सा पतले हैं. तो ये जो वाटरप्रूफ आते हैं उसमें भी आते हैं, बट ये नॉर्मल वाले जो हम रैपिंग पेपर लेते हैं 5-10 रुपये पर रोल के हिसाब से, वो है ये 20-30-40 रुपये तक के आपको ईजिली मिल जाएंगे, अच्छे वाले भी. तो जो भी आपके नियर है वो आप परचेज कर सकते हैं. इनमें भी कोई बुराई नहीं है, ये काफ़ी अच्छे हैं, मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ. तो ये है घर की वो दीवार जो कि नीचे से झड़ चुकी है, ऊपर से बहुत ही सुंदर है क्योंकि इस तरह से इस पर पेंट किया हुआ है, लेकिन नीचे से ये झड़ गई है और ये देखने में तो अच्छी लगती ही नहीं है. साथ में अगर इस पर कुछ टच हो जाता है तो वापस नीचे गिर जाता है. बच्चे वगैरह खेलते हैं, कपड़े भी गंदे होते हैं, फर्श भी गंदा होता है, क्लीनिंग का काम भी बढ़ता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. तो जो सबसे पहले यूज़ है वो हम करेंगे इस दीवार पर. तो ये आई थिंक हर घर में ज़रूर होती है ऐसी दीवार. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो पेपर लिया था रैपिंग पेपर, उसको जितनी वो दीवार गंदी थी जहाँ से झड़ चुकी थी उससे थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर तक कटिंग करके इस तरह से जो वो रैपिंग पेपर है उसको लगा दिया. आप इसको ग्लू गन की हेल्प से लगा सकते हैं, आप इसको डबल टेप की हेल्प से, या फिर आप इसको मास्किंग टेप की हेल्प से लगा सकते हैं. तीनों ही ऑप्शन अच्छी है. तो देखिए, जो गंदी सी दीवार थी जिसको मुझे डेली क्लीन करना पड़ता था वो इस तरह से छुप गई, वो गंदी भी नहीं होंगे, बच्चे आराम से खेल सकते हैं और देखने में तो ये अच्छी लगती ही है. तो आप किसी भी दीवार पर इस तरह की रैपिंग पेपर का यूज़ करके उसको अच्छे से डेकोर कर सकते हैं, एकदम नया लुक दे सकते हैं. उसके बाद बात करते हैं अपने फर्नीचर की. तो यहाँ पे मैं अपने शू रैक को मेकओवर कर रही हूँ. आप अपने किसी भी ड्रॉवर को इस तरह से मेकओवर कर सकते हैं. तो मैंने अपने शू रैक को किया है, वो मैं दिखाती हूँ कैसे. मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछाया था, मोस्टली हम न्यूज़पेपर का ही यूज़ करते हैं. तो ये न्यूज़पेपर जब भी मैं शूज़ वगैरह रखती हूँ तो वो बाहर निकल के आ जाता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, जस्ट हम अपना काम चलाने के लिए इनको यूज़ करते हैं. तो चलिए इसको एक नया मेकओवर देते हैं, देखते हैं कि रैपिंग पेपर को यूज़ करके हम इसको कैसे नया और अच्छा बना सकते हैं, और ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली भी है. तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया. मैंने उसके साइज़ का रैपिंग पेपर कट किया और मास्किंग टेप को इस तरह से कवर करके इसको 5-6 जगह पर लगा दिया है ताकि ये वहाँ पर स्टिक हो जाए. तो मास्किंग टेप का फ़ायदा ये रहता है कि इससे ये ईजिली बाहर भी निकल जाएगा, आपकी दीवार या जो आपका फर्नीचर है वो ख़राब नहीं होगा. तो मैंने यहाँ से न्यूज़पेपर हटा दिया है, इसको क्लीन कर लिया है, और जो इसके साइज़ का जो रैपिंग पेपर था वो कट करके मास्किंग टेप की हेल्प से इस तरह से इसको पेस्ट कर दिया है. तो देखिए, बिल्कुल नया हो गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी. तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कट करके इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं. ये इजी टू क्लीन भी है. तो नीचे देखिए न्यूज़पेपर है, ऊपर है मेरा रैपिंग पेपर, आप ही बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है. और इस तरह से इसको स्टिक करने के बाद क्या होता है, इसमें हम कपड़ा मारेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा. क्लीन करने में तो इजी है ही, साथ में जब भी हम कोई शूज़ वगैरह रखेंगे या उसको निकालेंगे तो ये हिलेगा भी नहीं. जबकि न्यूज़पेपर के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वो बहुत ही हल्का होता है. तो देखिए, मैं इस तरह से इसको निकाल भी रही हूँ तो ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है. और कपड़ा मैं इस पर आराम से कपड़ा मारूंगी तो वो आराम से ईजी क्लीन भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है. तो 5 रुपये में मेरा एक ये जो कॉर्नर है वो मेरा एक रेडी हो गया है, एक शेल्फ है वो मेरा रेडी हो गया.
उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पर। तो देखिए ये मेरा स्टूल है जो कि 13-14 साल पुराना है, मतलब मेरी शादी में बनवाया था ये। इसके किनारे निकल चुके हैं, ये लेमिनेट किया हुआ है, तो चाहूँ तो मैं इसको कलर भी कर सकती हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी और झंझट भी है। लेकिन मैं इसको क्या करूँगी, अभी मुझे फिर से यहाँ से मूव करना है, तो मैं अभी अपने फर्नीचर को इस तरह से कोई मेकओवर नहीं देना चाह रही हूँ। तो मैंने अपना रैपिंग पेपर लिया, इस तरह से मैं उसके साइज़ किया है, साइज़ मेजरमेंट किया और इसको सेम मास्किंग टेप की हेल्प से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए ये हो गया है मेरा स्टूल रेडी। तो देख सकते हैं जो किनारे धब्बे वाले किनारे थे, कटे हुए किनारे थे, वो बिल्कुल छुप गए हैं और मेरा जो स्टूल है वो एकदम नया लुक दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर मैंने कुछ मतलब गद्दा वद्दा रखा हुआ है। शायद ये वीडियो में आपको इतना ना नजर आए, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। देखिए इसकी लुक कैसी है। अब मैं चाहूँ तो नीचे वाले पे कलर करना चाहूँ तो कोई कलर भी कर सकती हूँ, अदरवाइज ये नीचे वाला मेरा, क्योंकि ये जो क्या कहते हैं लकड़ी का है और इसके ऊपर पॉलिश हो रखी है, तो मुझे इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शाइन एज इट इज़ बनी रहेगी। मैंने बस जो सनमाइका वाला पार्ट था उसको इस तरह से कवर करके और अपने स्कूल को एकदम से बिल्कुल नया लुक दे दिया है। आप इस तरह से अपनी जो आपकी सेंटर टेबल होती है उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर सेम रैपिंग पेपर को पेस्ट करके और उसको एक नया लुक दे सकते हैं किसी भी फर्नीचर को। और इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप जब चाहे इसको नया लुक दे सकते हैं, 5-10 रुपये में आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। या आप चाहें तो वाटरप्रूफ भी ले सकते हैं जो कि शायद 40 रुपीज़ के अराउंड में आते हैं, 40-50 रुपीज़ के, वो भी आप कर सकते हैं। बट मुझे फिलहाल जो वाटरप्रूफ वगैरह की है वो जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 5 रुपये वाला अपना रैपिंग पेपर लिया और मेरा एकदम से नया जो फर्नीचर है वो रेडी हो गया है। तो मेरा फोर्थ जो लुक है वो है रेफ्रिजरेटर का। तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, उसको हम साफ करते रहते हैं लेकिन ऊपर से वो डेली साफ नहीं होता, इस तरह से उस पर मिट्टी जम जाती है या कोई चीज़ रखेंगे हम तो उसके भी निशान आने का रहता है कि कहीं कुछ स्क्रैच ना पड़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे जैसे हैं कि जो पुराने ओल्ड स्टाइल के जो फ्रिज कवर है वो नहीं बिछाना चाहते, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक इस तरह से ही रैपिंग पेपर लिया, उसको कट कर लिया है अपने फ्रिज के टॉप के अकॉर्डिंग और उसको मैंने सेम मास्किंग टेप की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। विनोद मेरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं सिर्फ कपड़ा लगाऊंगी और ये क्लीन हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको 1-2 महीने में फिर से इसको चेंज कर सकती हूँ, तो इससे ना तो मेरा फ्रिज गंदा होगा और ना ही मुझे वो पुराने ओल्ड स्टाइल के फ्रिज कवर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने फ्रिज को ऊपर से कवर करना था ताकि अगर मैं 2 दिन में इसमें कपड़ा ना मारूँ तो वो साफ रहे, और अगर कोई बाहर से आने वाला है या कोई और भी है इसके ऊपर रखा है कोई सामान, उसको खींच दिया कुछ है, तो वो ख़राब ना हो। तो देखिए किस तरह से बिल्कुल अच्छा लग रहा है, आपका फर्नीचर गंदा होने से बच जाएगा, स्क्रैच नहीं आएंगे और आपको पुराने स्टाइल को अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जस्ट मैं आपको सिर्फ रख के दिखा रही हूँ, अदरवाइज मेरा ये थोड़ा खाली ही रहता है, लेकिन फिर भी बाहर से जब कोई आता तो किसी ने की रख दी, किसी ने कुछ रख दिया, तो वो स्क्रैच वगैरह से भी ये फ्री रहेगा। तो आई होप कि आपको ये मेरे आइडिया पसंद आए होंगे। तो ये थे मेरे 4 आइडिया जो कि मैंने रैपिंग पेपर से किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बजट फ्रेंडली मेकओवर पसंद आया होगा। तो इससे आप अपने किसी भी ड्रॉवर को, किसी भी अलमीरा को, टेबल को या दीवार को आप बिल्कुल एज एक नया लुक दे सकते हैं जैसे मैंने दिया है। और ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, रेंटर फ्रेंडली भी है, तो आपका 10-20 रुपये की कॉस्ट लगेगी और कुछ भी नहीं लगना है, और आपकी दीवार और आपका जो फर्नीचर है वो एकदम से नया हो जाएगा। तो ये था मेरा एक रेंटल फ्रेंडली मेकओवर अपने फर्नीचर और वॉल के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ फिर आपसे एक नए आइडिया के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।